अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने संसद के समक्ष समेत सदन में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पे जो हमारी बहन हिना गावित ने प्रस्तुत किया और बघेल साहब ने समर्थन किया, उसके समर्थन में आपने बोलने का अवसर दिया। लगातार पहले दिन भी 9 घंटे चर्चा हुई और आज भी कई घंटे से चर्चा हो रही है और उस चर्चा को मैं लगातार बैठ करके सुन रहा हूँ। मुझे लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियाँ होती हैं, सरकार के कार्यक्रम होते हैं, सरकार की योजनाओं का उल्लेख होता है और सरकार की उपलब्धियाँ होती हैं और एक सरकार की दिशा भी होती है। और इस बार जिस तरह से हमारे इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति जताई है, एक दृढ़ संकल्प ढंग से एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है, मैं यही कह सकता हूं कि अभी तक इस सदन में कभी भी जो राष्ट्रपति के अभिभाषण होते थे तो सरकार की तरफ से वायदे होते थे, सरकार की तरफ से कुछ घोषणाएं होती थी, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं और मैं धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी जी को कि इस बार इस सदन के माध्यम से सरकार ने वायदा नहीं किया है बल्कि सरकार ने एक गारंटी और संकल्प देने का काम किया है कि हम देश को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। इसी सदन में क्या होता था, इस सदन में हमेशा चर्चा होती थी, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे प्रतिपक्ष के हों, कहते थे कि दो भारत है, एक ग्रामीण भारत है एक शहरी भारत है, और गाँव के भारत में आज भी लाइट नहीं है, आज भी गाँव में बिजली नहीं पहुँची, गाँव में पक्के मकान नहीं, गाँव में शौचालय नहीं, आज भी गांव सुविधाओं से वंचित है, ये बात लगातार इसी सदन में चर्चा होती थी। और एक शहरी भारत जिसमें अट्टालिकाएं हैं, रोशनी से रात को भी दिन लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले के प्राचीर से इस विषमताओं को जो सदन में चर्चा होती थी कि भारत दो भारत, एक गांव का भारत एक शहर का भारत, उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम उस गाँव के भारत को और शहरी भारत के उस अंतर को, उस खाई को मिटाने का संकल्प लेंगे। और पहली बार उन्होंने पूरे देश में एक आइडेंटिफिकेशन कराया कि देश के 18,000 गांव अगर विद्युतीकरण से वंचित थे तो इस सरकार ने सबसे पहली अपनी प्राथमिकता में संकल्प लिया कि हम देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक के सारे गांव को विद्युतीकरण से संतृप्त करने का काम करेंगे और उसको समय से पहले करके उन्होंने दिया। तो आखिर इस तरीके से जो एक चर्चा होती थी, आज आप देख रहे हैं कि गांव में जिस तरह से आपने उस दिन देखा महामहिम राष्ट्रपति का 4 करोड़ पक्के आवास, जो बात सही थी कि एक गांव में पहले लोगों के पास कच्चे मकान थे, लोगों के गांव में जिस तरीके से परिस्थितियां थी कि शौचालय नहीं था, गांव में उज्ज्वला गैस का चूल्हा नहीं था, गाँव में बिजली के कनेक्शन नहीं थे, आज उस संकल्प को जिस दिशा में हमारी सरकार बढ़ी है कि आज उस गांव को, दोनों गांव के उस शहरी और गांव के अंतर को मिटा करके आज जो एक बुनियादी सुविधाएं हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, गांव के लोगों की बुनियादी सुविधाएं क्या हैं, महिलाएं शाम तक का इंतजार करती थी, उन्हें बाहर जाना पड़ता था, घर में शौचालय नहीं होता था, सबसे पहली पीड़ा हमारी सरकार ने लिया कि उन बहनों को, उन माताओं के लिए। और आज आपने सवाल उठाए हैं, मैं कहता हूं कि कांग्रेस के माननीय सदस्य यहीं पे जब मूवर थे, गोगई साहब नहीं हैं, उन्होंने कहा ये अब लोकतंत्र का मंदिर ही नहीं रहा, उन्होंने सवाल उठाया कि ये ऐसे लग रहा कि जैसे सिंहासन पे प्रधानमंत्री जी बैठे हों, उन्होंने सवाल उठाया चेयर के फैसलों पे। मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर लोकतंत्र का ये मंदिर है और अगर लोकतंत्र की आस्था होती तो आज मैं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनको जनता ने चुन करके इस सत्र के लिए भेजा है, अगर उनकी सजा हुई, सदस्यता गई, कोर्ट ने फिर से फैसला किया कि आप सांसद के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, तो जिस समय भारत की लोकसभा का सत्र चल रहा हो तो वो सत्र के बजाय सैर करने का काम कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के प्रति अगर आस्था है तो मुझे लगता है कि शायद ये निश्चित तौर से जो लोग लोकतंत्र में आस्था रखते हैं उनके लिए दुख का विषय होगा। आज इस लोकतंत्र में आप सवाल उठा रहे हैं, इस लोकतंत्र के इस मंदिर में अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने कहा
कि 12 घंटे हम महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे हम विचार करेंगे। आप देखिए पहले दिन भी फ्राइडे को भी 12 बजे से शुरू हुआ, 9 बजे रात तक हम लोग बैठे थे, 9 घंटे चला और आज भी 6 घंटे चलेगा। 15 घंटे सदन इस पे चर्चा कर रहा है और कांग्रेस की बेंच पूरी खाली पड़ी है, कोई भी एक सदस्य नहीं। एक सदस्य है, उन्होंने हाथ उठाया, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने भाई को कि एक सदस्य। ये है इनकी लोकतंत्र में आस्था, ये सवाल उठा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, आज प्रधानमंत्री पे कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज जो पूरे देश में पहली बार पूरे देश के 2.5 लाख गांव में जो ये हमारी दिशा है सरकार की विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने की, तो आखिर विकसित भारत कैसे होगा? आज भी गांव में कोई पात्र व्यक्ति अगर वो आवास से वंचित रह गया है, गांव में कोई पात्र व्यक्ति अगर अभी भी उसके घर में क्लीन एनर्जी नहीं है और उज्ज्वला से वंचित रह गया है, अगर अभी भी कोई परिवार, चाहे नॉर्थ ईस्ट का कोई गांव हो, चाहे कोई झारखंड के किसी आदिवासी इलाके का हो, या चाहे साउथ के किसी तमिलनाडु कोचीन के किसी गांव में, अगर आज भी कहीं शौचालय नहीं है तो वो केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दे, शौचालय का पैसा उसके खाते में चला जाएगा। तो जिस तरीके से आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात ये इसलिए हो रही है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के 2.5 लाख गांव में, जो आज मोदी की गारंटी है, मोदी की वो वैन नहीं है, वो गारंटी है, और शायद उसमें गए नहीं होंगे, मैं भी 64 विकसित भारत संकल्प यात्रा पे गया। ये कह रहे थे कि इन योजनाओं में कमीशन, अरे आप तो स्वयं महसूस करिए कि पहले आपके प्रधानमंत्री कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुँचता है, और आज DBT से जिस तरह से हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में खाते में भेज रहे हैं, अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया लाभार्थी के खाते में पहुंचाने का काम मोदी की सरकार करती है। आज इस सदन में अब चर्चा होती है कि दुनिया में दो तरह के देश हैं, एक विकसित देश है और एक विकासशील देश है। तो डेवलपिंग कंट्री की बात हो रही है, एक डेवलप्ड कंट्री की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। आप देखिए इसी देश में जब कोविड की वैश्विक चुनौती आई तो उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि PPE किट हम नहीं बनाते थे, उस समय वेंटिलेटर नहीं बनता था, इनके 95 चाइना से मंगाते थे, हमारे इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने कहा सब स्टैंडर्ड दे रहे। उसी समय प्रधानमंत्री जी के मन में आया कि अब भारत को आत्मनिर्भर भारत बनना पड़ेगा, और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए न केवल उन्होंने कदम उठाए, और आज देश में जहां हमारी संज्ञा पहले पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के साथ होती थी डब्लिंग, आज वो भारत दावोस के आर्थिक सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन के सत्र के लिए बुलाया जाता है। आज भारत की स्थिति ये पहुंची है। आज भारत को आप डेवलपिंग और डेवलप कंट्री से हम आंकड़े देना चाहते हैं कि आज भारत किस तरीके से जो विकसित देश हैं, आखिर विकसित देश क्या होते हैं? विकसित देश अपनी ज़रूरत की चीज़ों को, बुनियादी सुविधाओं को पूरा करके और दूसरे देश की भी मदद करें। विकासशील देश वो अपनी आवश्यकताओं के लिए भी दूसरे देश पे मुनस्सर रहें, निर्भर रहें, वो डेवलपिंग कंट्रीज कहलाती है। लेकिन आज पिछले 9 सालों में भारत ने एक यात्रा की है, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी आश्चर्यचकित यात्रा है कि जो लोग भारत की सक्सेस ग्रोथ स्टोरी पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और आज मैं 9 साल की बात करना चाहता हूँ कि आज दुनिया में भारत एक चीज़ में नहीं, कई चीज़ों में आज दुनिया में भारत नंबर 1 हो चुका है। इसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या होती है? दूध की होती है। दूध में विटामिन है, दूध की एनर्जी है, एक तरह से जिस तरीके से माँ के दूध से बच्चा बड़ा होता है ऐसे उस दूध से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। आज दुनिया में भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हो गया। 50% नरेंद्र मोदी के सरकार के नेतृत्व में हमने अपने देश में मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया है, और पूरी दुनिया का जो ग्लोबल मिल्क पैदा होता, प्रोडक्शन होता है, उसका 24% केवल भारत पैदा कर रहा है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है, और हमारी सरकार जिस दिशा में जा रही वो दुनिया के लिए एक रैंक हमसे पीछे है। US इसमें 2nd रैंक है, पहले दुनिया में अमेरिका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, और आज यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 2 पे है, भारत नंबर 1 पे है। आज जो मोटे अनाज की बात हुई, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज योगा के लिए कहा, पूरे यूनियन ने और पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार किया, इंटरनेशनल योगा डे उनको जिस तरीके से हो रहा, उसी तरीके से पिछले साल उन्होंने कहा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हो, कि मोटे अनाज
जो किसी के स्वस्थ रहने के लिए, जीवन के लिए जरूरी है। तो वो दुनिया में आज मिलेट जो मोटा अनाज है, वो भी दुनिया में हम नंबर एक हैं। आज इंडिया जो दुनिया में पैदा कर रही है, 170 लाख टन मिलेट हम दुनिया में पैदा करके नंबर एक पे भारत हो रहा है। ये भारत के लिए उपलब्धि है, ये भारत की उपलब्धियाँ। और पूरे एशिया का 80% मिलेट हम अकेले भारत में पैदा कर रहे हैं, और पूरे दुनिया का जो प्रोडक्शन उसका 20% अकेले मिलेट मोटे अनाज में आज भारत पैदा कर रहा है और दुनिया को हम दे रहे हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग में बात करना चाहता हूँ, मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूँ जो मेरे साथियों ने कह लिया। आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी, कृषि की बात कर रही थी हमारी बहन पंजाब की बैठी थी, मैं कह रहा हूँ कि आज ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम नंबर एक पे पूरी दुनिया में हैं। और आज ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में पूरे डाटा के साथ कहना चाहता हूँ कि दुनिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में 3,128 लाख मीट्रिक टन पैदा करके भारत के किसानों ने दुनिया में अपने नंबर एक किया है ऑर्गेनिक खेती में, जिसमें आज डिमांड बढ़ रही है। यूरोप के, अमेरिका के मॉल्स पे या अमेजान में, फ्लिपकार्ट में आप देखते हैं आजकल लोगों के एक क्रेज सा है कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारी उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू हुई है, जो हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्शन किया है, उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की 5,525 करोड़ है। हमने, हमारे किसानों ने खेती से, ऑर्गेनिक खेती से 5,525 करोड़ कमाया, और ये दुनिया का 30% ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स आर इन इंडिया। आप बताइए, ये भारत पिछले 9 साल में चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे मिल्क का क्षेत्र हो, चाहे मेडिसिन के क्षेत्र में मैं आ रहा हूँ, इसी तरह से आज युगांडा सेकेंड पे है, मतलब आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में नंबर एक पे हैं। और आज फार्मास्यूटिकल, जहाँ पहले हम कोई बीमारी हो जाती थी, जापानी इंसेफ्लाइटिस हो गया, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम हो गया, तो उसके लिए हम जापान से वैक्सीन मंगाने की बात करते थे, हमारे यहाँ हजारों बच्चे उस मस्तिष्क ज्वर से, जापानी बुखार से मर जाते थे, और लगता था कोविड में कि शायद हम दुनिया में किस तरह से सर्वाइव करेंगे, जो हमारी पॉपुलेशन की साइज थी 140 करोड़। लेकिन आज 9 सालों में मैं धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से, मोदी जी ने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया, प्रयोगशालाओं तक चल करके गए, न केवल उस हमारे कोविड के 2 वैक्सीन को निकालने का काम किया, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, आज दुनिया में उन्हीं वैज्ञानिकों ने, उन्हीं प्रयोगशालाओं ने हमको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में भी 3rd रैंक कर दिया है। ये विश्व में हमारे लिए इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। हम कहना चाहते हैं कि और इसके कि आज हमारी जो दुनिया की करंट मार्केट साइज है, वो हमारी 50 बिलियन US डॉलर है। आज हम केवल यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना से पीछे हैं, 3rd नंबर पे हैं। कल तक तो हम कहते थे फ्रेजाइल फाइव हैं, तो भारत के बारे में कहा जाता था कि बनाना, मानवर मैं 2 मिनट और ले लूँगा, ये बनाना रिपब्लिक है। और आज आप देखिए कि जिस तरीके से US चाइना से हम आगे जा रहे हैं, इसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में, मानवर आज रिन्यूएबल एनर्जी में हम 4th पे हैं विंड पावर कैपेसिटी में, 5th पे हैं सोलर पावर कैपेसिटी पे, नॉन फॉसिल 1 गीगावाट से बढ़ के हम 188 गीगावाट पे होंगे। तो आज आप देखिए सोलर एनर्जी में दुनिया में हम 3rd और 4th नंबर पे हैं आज दुनिया में हम, क्योंकि ग्लासगो के पेरिस की कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करता हूँ कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए, जब डोनाल्ड ट्रंप अलग हो गए तो उस समय पूरी दुनिया में लोगों को लगा क्लाइमेट चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कौन नेतृत्व करेगा, तो दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के अलग होने के बाद किसी ने नेतृत्व किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व किया है उस ग्लासगो में, और पेरिस में फिर से जो बाइडन को जुड़ना पड़ा। तो इसलिए मैं मानवर केवल महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, आज दुनिया की सबसे बड़ी अपनी लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। आज़ादी के बाद किसी ने नहीं सोचा, आज गरीब को किस तरीके से अपनी दहलीज पे इंडिया रगड़ रगड़ के मर जाता था कि हमारी गरीबी नसीब है, वो दवा नहीं करा सकता था, खेत रहन रख करके मंगलसूत्र गिरवी कर रख के भी नहीं करा सकता था, और आज हर व्यक्ति के हाथ में 5 लाख रुपए की दवाई की गारंटी हो, वो आयुष्मान कार्ड नहीं है बल्कि देश के किसी अस्पताल में उसकी ज़िंदगी की सलामती की वो उसके लिए कैश है, उसके लिए 5 लाख उसके हाथों में। तो इस तरीके से 30 करोड़ आयुष्मान, इतने बड़े देश में ओबामा ने मेडिकेयर दिया था, कह रहे थे कि अमेरिका ने अपने लोगों को एक मेडिक्लेम दिया है, मेडिकेयर दिया है, और आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी आयुष्मान गारंटी आई है। आज हम देखिए, समाप्त कीजिए, 2 मिनट टेक्सटाइल में आप देख लीजिए, मैं कोई बातें वो दोहरा नहीं रहा हूँ जो हमारे साथियों ने कह लिया कि आज दुनिया में टेक्सटाइल में हम आज
सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो आप सोचिए कि टेक्सटाइल हो या और हो, और इंडिया अकाउंट्स ऑफ 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन, दुनिया का 60% वैक्सीन भारत बना रहा है, ये भारत के लिए फख्र की बात। धन्यवाद। और दो मिनट कहा तो 2 मिनट तो दे दें मानो। और आज जिस तरीके से जेनरिक मेडिसिन जो आज आयुष के हमारे जो मंत्रालय बना, उस आयुष मंत्रालय में हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में सस्ता दवा हो, गरीब को हो, ये भी प्रधानमंत्री की सोच थी। एक गरीब व्यक्ति की जो प्रधानमंत्री के पद पे आए देश की जनादेश से, उसी के मन में सोच हो सकती है कि हर व्यक्ति सस्ते से सस्ती दवाई खरीद के अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कर सके। और आज वो उस जेनरिक मेडिसिन में ग्लोबली हमने 20% का शेयर ऑक्यूपाई कर लिया है। इस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, मैं जीडीपी की बात करता हूँ। हमारी बहन कह रही थी कि महिलाओं में हमने क्या किया, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए क्या किया। अरे इन्फेंट्री में एकेडमी में बात समाप्त कीजिए, बहुत सारे स्पीकर हैं। दिया फाइटर पायलट के रूप में, दिया नारी बंधन अधिनियम के रूप में दिया। आज देश की दुनिया के लोग मोदी को केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं समझते हैं, दुनिया के लोग उनको स्टेट्समैन देख रहे हैं। 2 घंटे मैंने स्टूडेंट्स की चर्चा को सुना, मुझे लगा कि ये स्टूडेंट्स के लिए गाइड हैं, यूथ के लिए मेंटर हैं और महिलाओं के लिए समाज सुधारक हैं। पूरी दुनिया इनको इस बात के लिए याद करेगी। और आप देखिए जीडीपी का आप रेट कि आज ये कहते हैं कि ये आंकड़े, अरे ये हमारे नहीं है। अभी तो आपने कहा नीति आयोग ने कह दिया कि 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकल गए, ये तो IMF का डाटा है, वर्ल्ड बैंक का है, स्टैंडर्ड एंड पुअर का है। कि आज हमारे पिछले 2 क्वार्टर में 7.5% हमारी ग्रोथ रेट है। इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इट इज मैटर ऑफ प्लेजर एंड प्राउड फॉर अस। और इसके लिए भी ये नहीं कहेंगे कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है। आज दुनिया में हम चाइना को छोड़ चुके, US की GDP 5.2% उनकी ग्रोथ रेट है, चाइना की 5% है, रसिया की 5.5% है, और जो ब्रिक्स देश हैं ब्राजील जिसमें रसिया इंडिया चाइना सब है, उसका एवरेज 3%। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना मैं दूसरे स्पीकर का नाम अनाउंस करता हूं। बस एक मिनट कंक्लूड। जबकि पूरी दुनिया की संस्थाओं ने कहा था कि साहब केवल भारत की 5 से 5.5% से ऊपर GDP नहीं जाएगी, तो दुनिया की भी एक्सपेक्टेशंस को आज मोदी सरकार ने साबित कर दिया कि जितना दुनिया सोच नहीं सकती उससे ज़्यादा भारत आगे चल करके जाएगा। और निश्चित तौर से बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत। जयदेव गल्ला, धन्यवाद आपने समझ।